नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी जी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों डी टब्ल एस बी ने आज तीन नए नोटिस जारी किए हैं जो हैं दोस्तों असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड है सोलह बटे उन्नीस तो दोस्तों पोस्ट कोड सोलह बटे उन्नीस के लिए डी टप्ल एस बी ने आज एक सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी किया है और इसी पोस्ट कोड के लिए दो रिजेक्शन नोटिस जारी किए हैं तो जल्दी से देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और उनके रोल नंबर क्या हैं तो दोस्तों ये है आपके सामने नोटिस सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर आठ असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड सोलह बटे इन डी तो दोस्तों यहाँ पर टोटल दो सौ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई थी जब एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें से एक सौ अड़तीस और एक सौ पंद्रह कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया गया था इसके बाद दोस्तों जो आज ये नोटिस आया है उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम है दोस्तों वो यहाँ पर रोल नंबर लिखे गए हैं तो जिन भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर इस रिजल्ट नोटिस में है और उनका सिलेक्शन लिया गया है उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई तो यू कैटेगरी में टोटल सात कैंडिडेट का रोल नंबर लिखा है और यू आर ओ एच पी एच कैटेगरी में टोटल एक कैंडिडेट का नाम है यहाँ पर द कैंडिडेट बेयरिंग रोल नंबर दिस इज बींग प्रोविजनली नॉमिनेटेड अंडर पी एच ओ एच कैटेगरी हाउवर दिस वैकेंसी इज एडजस्टेड अगेंस्ट पी एच विजुअली इम्पैक्ट कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद अटेंडम एडेंडम में दोस्तों ये जो सीट है ये विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट की थी और इसमें एडजस्टमेंट करके पी एच ओ एच को यहाँ पर मौका दिया गया है इन केस द कैंडिडेट्स फ्रॉम द वी आई इन पी एच कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल देन द वैकेंसी मे बी फिल्ड अमॉन्ग्स द कैंडिडेट फ्रॉम ओ एच लोकोमोट पी एच तो ये दोस्तों यहाँ पर इस नियम का यहाँ पर पालन किया गया है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में टोटल सात कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है ओ बी सी के नौ कैंडिडेट हैं एस सी कैटेगरी में टोटल छः कैंडिडेट हैं द यूजर डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू थॉरोली वेरीफाई द सर्टिफिकेट्स ऑफ नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स अप्रोविड बाय द कैंडिडेट इन द लाइट ऑफ एन सी टी ई इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशूड फ्राम द टाइम टू टाइम बिफोर इशुएंश ऑफ एनी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट द यूजर डिपार्टमेंट इज फर्दर रिक्वेस्टेड दैट इफ द कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल हिज अ डोजर मे रिटर्न आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ हिजर कैंडिचर द सेलेक्शन ऑफ अबव थर्टी यू आर के आठ हैं दोस्तों इंक्लूडिंग वन पी एच ई डब्ल्यू एस के साथ और ओबीसी के नौ एस के छह टोटल थर्टी कैंडिडेट्स का यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिलेक्शन लिया गया है कैंडिडेट शेल फर्दर बी सब्जेक्ट टू ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच दे हैव क्लेम टू हैव फुलफिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज प्रेस्क्राइब इन आर आर तो दोस्तों यहाँ पर ये टोटल तीस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में तो इनकी जो जाँच है डॉक्यूमेंट्स की वो यूजर डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी यहाँ पर यही सारी बातें बताई गई हैं कि यूज़र डिपार्टमेंट इन सभी कैंडिडेट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जेनुन जेन्युनेस की जांच करेगा और कोई भी अगर कमी पाई जाती है तो इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा तो दोस्तों सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन नोटिस भी यहाँ पर दो आए हैं दोस्तों उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इस नोटिस में और एक्स्ट्रा बातें क्या लिखी गई हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरिट है दोस्तों जो फाइनल मेरिट यहाँ पर अभी लगी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यू की मेरिट है सौ पॉइंट छियानवे डब्ल्यू एस अस्सी पॉइंट पचास ओ बी सी छियासी पॉइंट पिछहत्तर एस सी की है तिरानवे पॉइंट छत्तीस एस टी इकहत्तर पॉइंट बयासी और पी एच कैटेगरी में ओ OH एच और वी एच कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं जिसमें चौहत्तर पॉइंट पैंतीस और सड़सठ पॉइंट ज़ीरो सात यहाँ पर मेरिट लगी है दोस्तों तो दोस्तों ये था सप्लीमेंट्री रिजल्ट पोस्ट कोड सोलह बटे उन्नीस असटेंट टीचर नर्सरी के लिए अब रिएक्शन नोटिस देख लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों ये रिएक्शन नोटिस है दोस्तों यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं इकतीस मार्च दो की डेट है यहाँ पर पोस्ट कोड सोलह बटे में जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट है सोलह बटे की यहाँ पर टोटल फोर्टी सेवन कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है इस नोटिस में और उसका रीजन सामने लिखा है जैसे कि रोल नंबर लिखा है द कैंडिडेट्स हैज़ नॉट अपलोडेड डिप्लोमा इन एंटिटी एंड इट्स मार्कशीट्स ही वॉज गिवन टू अपॉर्चुनिटीज बट फेल्ड टू अपलोड द सेम तो दोस्तों ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका रोल नंबर इस नोटिस में लिखा है इन सभी कैंडिडेट्स का दोस्तों कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है इन लोगों को एक या दो बार जितने भी बार डी टब्ल ने डोजर के लिए रिकॉल किया था इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉल में अपलोड नहीं किया था इसी कारण से ये फाइनल रिजेक्शन नोटिस डाल दिया गया है अब इन कैंडिडेट्स का कैंडिचर पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर रोल नंबर लिखा है उनके रोल नंबर के आगे कैंसिलेशन uh, या रिजेक्शन का रीज़न भी यहाँ पर दिया गया है तो वो देख सकते हैं कि उनका जो रिजेक्शन हुआ है वो किस कारण से हुआ है ई में टोटल दोस्तों यहाँ पर चार और टोटल आठ कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है ओ में भी दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं टोटल आठ और एस कैटेगरी में दोस्तों टोटल सात कैंडिडेट्स का रोल नंबर लिखा है इसके बाद एस कैटेगरी में टोटल दस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर रोल नंबर लिखा है पी कैटेगरी के टोटल चार कैंडिडेट्स हैं दोस्तों तो ये है रिएक्शन नोटिस असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड सोलह बटे उन्नीस इसके साथ साथ दोस्तों एक और रिएक्शन नोटिस भी आया है वो भी देख लेते हैं तो दोस्तों ये है दूसरा रिएक्शन नोटिस असिस्टेंट टीचर नर्सरी आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं इकतीस मार्च 2022 डेट है टोटल पंद्रह कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने ई डोज़र अपलोड ही नहीं किया था इस कारण से इन सभी का जो कैंडिडेटचर है वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है इन सभी को ई e डोज़र भरने के लिए मैसेज या फिर किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन या ई मेल दिया गया था लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से ई e डोज़र को फिल ही नहीं किया था तो ये सभी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों टोटल यहाँ पर पंद्रह कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल किया गया है दोस्तों ये था पोस्ट कोड सोलह बटे उन्नीस असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए डी ट्रिप्ल एस बी के तीन नोटिस जिसमें एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और दो रिएक्शन नोटिस हैं दोस्तों उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो गया है तो अच्छे से अपने कागज़ रेडी कीजिए दोस्तों आपके जो डोजर फाइल है वो जल्द ही डी ट्रिप्लिस बी की तरफ से यूजर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी और इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी जो भी प्रोसेस होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इसको फॉलो करेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी पुलिस वेरिफिकेशन और जो भी आगे का फर्दर प्रोसेस है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा किया जाएगा दोस्तों अगर आपको जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में